से मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। Allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील। नहीं नहीं मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। तहरीके इंसाफ कम अज कम बल्ले का निशान मांगती तो सही, बल्ले का निशान मिलना या ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देख लेती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबी निशान एक हो या ना हो उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे, सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में PTI के कामयाब लोग शामिल हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले, हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हो उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हो। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती, उम्मीद है 25 जून को फैसला हमारे हक में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पुर उम्मीद कहते हैं तरीके इंसाफ अवाम की नुमाइंदा जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरी उसकी रुख के मुताबिक करना चाहती है, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और एतमाद है। सेनेटर फैसल वाबडा का तौहीन अदालत के नोटिस पर मुआफ़ी मांगने से गुरेज, तौहीन अदालत के नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। फैसल वाबडा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायज तनकीद की, मेरा अमल सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करना नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं मुल्क की बेहतरी था। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत के नोटिस पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली, कहा आला अदलिया और तमाम जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान जमात के ख्वाब चकनाचूर, BJP और इत्तेहादी जमातें 400 नशिस्तें जीतने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक BJP और इत्तेहादी जमातें अब तक 290 नशिस्तों पर आगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश से आगे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला से बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। BJP के मतलूबा नतज ना आने पर भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से रवानगी से कबल पैगाम में कहा दौरा चीन एक और ऊंची सिंथ मुतय्यन करेगा, दौरे से CPAC Phase 2 का आगाज होगा। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी और फौजी ताकत है, चीनी सदर की सोच और विजन की बुनियाद पर दुनिया में जंगों के खात्मे की कोशिश की जा रही है, चीनी क़यादत के किरदार का दिल से मुतरफ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सरमायाकारी, तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाना एजेंडे में शामिल। शहबाज शरीफ चाइना पाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा का वफ्द भी चीन रवाना, कारोबारी वफ्द पहले ही चीन पहुँच चुका। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं चीन में 5 जून को बिजनेस फोरम मुनक्किद होगा, पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान शराकतदारी के मुआहदे होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा दौरा चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के मौके पर जोर दिया जाएगा।
तहरीके इंसाफ के लिए एक और रिलीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी का इद्दत निकाह केस की जल्द समाप्त के लिए अदालत से रजू। बुशरा बीबी ने सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। सजा के खिलाफ अपीलों को जल्द समाप्त के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सेशन कोर्ट ने 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं, हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानूनों के तहत फैसले करेंगी। नैब केस में जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दौरान समा दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, यह ऑर्डिनेंस बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए मंजूर किया गया है। सरकारी वकील ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। जस्टिस शुजात अली खान की सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। केस की मजीद समात 6 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्त काबिले समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्तों पर समाअत 6 जून को होगी नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई केसेस पर तफ्तीश। 7 रुकनी जेआईटी अडियाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाकयात पर सवालात करेगी। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। गुजरात के हलका PP32 में बबगिना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही के वकील ने कहा, मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन के वोटों की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या आप चाहते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम करार दे दें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 10 जुलाई तक तलब कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद में नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिसेस मुअत्तल कर दिए। पंजाब हुकूमत 9 मई के मुलजिमान के खिलाफ मुतहरिक। 320 मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन का फैसला। ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन लाहौर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को टास्क सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक बेशतर मतलूब मुलजिमान ने खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले रखी है। पहले मरहले में पंजाब में मौजूद मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता शाम की बारिश के बाद सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। लाहौर में पारा 40 और एहसास 42 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में 6 जून तक मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। उधर कराची में मगरबी हवाएं आज रात दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं से गर्मी की शदीद लहर का खात्मा होगा। Good.
गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 5,233 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। दीर लोयर में बिजली की तवील लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, मुबाहिसे अमन और भाईचारे के फरोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिस ने सानिया जड़ावाला के बाद गिरजा घरों की फौरी तामीर और मुरम्मत को सराहा। पोप फ्रांसिस ने कहा, पाकिस्तान के आवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है। वज़ीर आज़म की दावत पर दौरा पाकिस्तान की कोशिश करूँगा। पोप फ्रांसिस का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने फ़लस्तीन पर मौसर मौकिफ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अकलियतों का तहफ़ हमारी अवली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कतर के सफीर अली बिन मुबारक की मुलाकात। पंजाब में सरमाकारी लेबर फोर्स और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी से आगाह किया। पंजाब और कतर के दरमियान इक्तिसादी तालुकात के फरोग का उसूली फैसला। मरियम नवाज ने कतर के सनअतकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत भी दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी कतर के सफीर की मुलाकात हुई। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी बच्चों में चेक तकसीम करने की तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, ख़ुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इकदामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने पाक नेवी के ख़ुसूसी बच्चों के स्कूल को 41 लाख रुपए का चेक दिया। व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल को 14 लाख रुपए का चेक दिया गया।